जय श्री श्याम। आज मैं बनाने वाली हूँ खाटू श्याम जी का जो फेवरेट है चूरमे का प्रसाद, जो बनता है आटे से। मैं आपको बताऊंगी ये किस तरीके से बनाया जाता है। और खाटू श्याम जी मेरे फेवरेट है, तो मैं फर्स्ट ब्लॉग अपना उनके प्रसाद से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जय श्री श्याम, आगे आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखें। ये देखिए, मैंने इसमें लिया गेहूं का आटा, जिसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है और हल्का सा नमक डाला है। इसको मैं पहले गूंज लेती हूँ। आप देख सकते हो मेरा आटा गूंज के हो गया है। अब मैं इसको 5 मिनट रख देती हूँ सॉफ्ट होने के लिए। जैसे कोई भी आटा हो उसको गूंजने के बाद 5 मिनट रखना होता है, तो मैं इसको रख देती हूँ। और इसमें जो जो चीज लगेगी घी बनाने के बाद मैं वो आपको बताती हूँ, जैसे किशमिश, बादाम और काजू। ये एक रोटी का चूरमा है जिसमें इतने चीजें लगती है। ये 3 चीजें लगेंगी, वो भी रोटी बनने के बाद। जो चीजें अभी रोटी बनने के बाद, ये सब उसमें कैसे डलेंगी और कैसे चूरमा बनेगा वो मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। मैंने सारी चीजें रेडी कर ली है। अब मैं आपको स्टार्ट बताने जा रही हूँ कि स्टार्ट कैसे होता है चूरमा बनाना। फर्स्ट में रोटी बना रही हूँ। hey, देखो, जैसे कि आप सबको पता है, मैं हूँ आपकी प्यारी सी क्वीन और यादी चूरमा बना रही हूँ मैं। देखने आ रही ऐसे बोलना। तो क्या उनको चली आएगी? मुझे आ रही है दीदी बहुत। हाँ ऐसे बोल। सच में अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोई घी की खुशबू आ रही है यार, कभी भी कुछ बनाएंगे तो घी की खुशबू आती है। देखो, आपको इसको चेक करते रहना होगा क्योंकि ये जलनी नहीं चाहिए। मैं तो वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये बनने के बाद पहले श्याम जी को भूख लगेगा, उसके बाद मैं खाऊंगी। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो इसमें मैंने अपने मन पसंद की चीजें बनाई। आप भी जानना चाहोगे कोई रेसिपी के बारे में तो आप जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि उनका फर्स्ट ब्लॉग है तो उनको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको वैसे डिश भी बना के उनका वीडियो भी मिल जाएगा और दी को भी हेल्प हो जाएगी। जैसे अभी ये बनने ही आई है, इसमें हल्का हल्का घी लगा के मैंने इसको सेक लिया है। थोड़ा और लाइट ब्राउन कर लेती हूँ मैं इसको, उसके बाद आपको आगे का बताती हूँ कि पूरा चूरमा कैसे रेडी होता है। अभी ये रेडी हो चुका है चूरमा, पर थोड़ा गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने देना। ज़्यादा भी ठंडा मत करना क्योंकि इसमें घी डलेगा तो वो कच्चा रह जाएगा। इसे अभी मैं इसमें घी डालूंगी, बस इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दो। वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मसल लेना है पूरा चूरमा करने तक। ये महारानी यहाँ पर बैठी है खाने के लिए। भूल गई थी आपको बताना कि इसमें एंड में शक्कर डलती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में वो बताया नहीं था। तो आप मीठे के हिसाब से एक एक कटोरी बोल लिया था, 2 रोटी का आटा है तो उसमें आप इतनी शक्कर डाल सकते। आप देख सकते हो ये अभी पूरी तरीके से बन चुका है। अब ये चढ़ेगा श्याम बाबा को, तो ये चूरमा बनता है इसी तरीके से। आगे जो भी नई डिश मैं बनाऊंगी मैं आपसे शेयर करूंगी। चढ़ाया जाता है तो मैंने इसी तरीके से बनाया है, तो क्या पता नाराज हो गए। तो ये चूरमा रेडी हो गया है, अब मैं जा रही हूँ श्याम बाबा को ये चूरमा चढ़ाने के लिए। आपको पता है ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैंने ये ब्लॉग श्याम जी बाबा के प्रसाद के साथ शुरू किया। उन्होंने बनाया चूरमा जो की
बहुत ही अच्छा ज्यादा खुशबू है, ये चढ़ चुका है ऑलरेडी, तो अब खाने वाले इसको हम लोग, और खाने के बाद फिर ये ब्लॉग एडिट होगा। तो रही बात ये है कि ये दीदी का सबसे पहला ब्लॉग था जो वो बनाने में थोड़ा शाय फील कर रहे थे, बट मैं होप करता हूँ कि आप लोग समझोगे ये बात को और उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे, और आप भी कमेंट करके सजेस्ट करना कि इनको क्या बनाना चाहिए क्या नहीं। और कैमरा इधर है, इधर बोलो, चलो